हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के सिंह क्लासेस 24/7। देखिए, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर हमने कंटिन्यू किया था मनी एंड बैंकिंग, उसी को डिस्कस करने वाले हैं और पूरा आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे पूरा नेक्स्ट। तो आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, बेटा बार्टर सिस्टम क्या होता है, मनी क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया है। अब उसके जो आगे का प्रोसेस है उसे डिस्कस करते हैं, जानते हैं। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पॉइंट नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम के बाद भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। आप इस चैप्टर के देखेंगे आपके आगे जो एसएससी वगैरह आप करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं मनी एंड बैंकिंग के जो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया, भारत में मौद्रिक व्यवस्था। भारत में मौद्रिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, भारत में पैसा कौन छापता है, किसके पास पावर है, किसको इतना राइट दिया गया, ये पैसा हम क्यों नहीं छाप सकते हैं, ये ऐसा क्या है, अथॉरिटी किसके पास है, कौन है इसका मालिक पैसा छापने का, ये सारी बातें हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देना बेटा, भारत में मौद्रिक व्यवस्था आज हम आपको बताएंगे। बेटा पैसा कौन छापता है, बड़े आप पैसों को लेके घूमते रहते हो, आप मुझे फीस देते हो, मैं खर्च करता हूँ, आपने पापा जी से लिए, पापा जी ने ऑफिस में काम किया, उनको वहाँ से मिला, बिजनेस किया, कुछ भी किया, तो जब ये पैसा कहाँ से आ रहा है, मेन पॉइंट क्या है, कहाँ कौन है छापने वाला, आज फील करते हैं। एक बात नोटिस करना बेटा, आप जो नोट देखते हो 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 का, 20 का, और बेटा 50 का, 100 का, वो बताइए 200 का, बिल्कुल 500 का, हाँ जी, उसके बाद 1000 मत बोलना, बंद हो गया वो, अब 2000 का, यस। आपने जितने भी नोट में लिखे हैं 2, 5, 10, 15 सभी नोट, ये सभी नोट कौन छापता बेटा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी नोट आरबीआई छापता है। लेकिन मैंने एक बात बताई आपको, यहां पर मैंने इसे 2 रुपए के नोट से स्टार्ट किया है, 1 रुपए का नोट नहीं लिखा, इसके पीछे रीजन, सभी नोट आरबीआई छापता है लेकिन एक्सेप्ट 1 रुपए का नोट और सिक्के को छोड़कर, एक रुपए का नोट और सभी सिक्के और सिक्के को छोड़कर सारी करेंसी कौन छापता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये हमारा सेंट्रल बैंक है, केंद्र सरकार का बैंक है, केंद्रीय बैंक है। पहली बात, सभी नोट आरबीआई छापता है लेकिन 1 रुपए का नोट और सिक्के को छोड़कर। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर नोट तो आरबीआई ने छाप लिया लेकिन जो सिक्के और 1 रुपए का नोट छोड़ दिया है, ये एक सिक्के जो मार्केट में दिखाई दे रही है, ये कौन छापता है, ये भी जानना जरूरी है। अधूरा ज्ञान तो बेटा बेकार है, आपने सिर्फ इतना जान लिया कि आरबीआई नोट छाप रहा है, बाकी अभी हम सिक्के की बात नहीं कर रहे हैं, तो सिक्के कौन छापता है, चलिए आइए इस तरफ पहुंचते हैं। तो जो आपने पूछा मेरे से, सर 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के कौन सिक्के बेटा था, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का, सभी सिक्के वित्त मंत्रालय छापता है, वित्त मंत्रालय छापता है, कौन है वित्त मंत्रालय,
फाइनेंस मिनिस्टर, इंग्लिश में फाइनेंस मिनिस्टर, पहली बात। और बेटा फाइनेंस, हमारे वित्त मंत्री का नाम बताइए, ये बात पता होनी चाहिए, निर्मला सीतारमण। तो आपके जो भी वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय का काम क्या है, एक रुपए का नोट और सभी सिक्के को छापना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वित्त मंत्रालय की है, फाइनेंस मिनिस्टर की है कि भैया सिक्के की जो पूर्ति होगी कौन करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, वित्त मंत्रालय। तो कोई डाउट किसी को? तो एक रुपए का नोट और सभी सिक्के का छोड़कर जितने भी नोट है वो आरबीआई छापेगा, और बाकी जितने भी सिक्के बचे हैं और एक रुपए का नोट कौन छापता है, वित्त मंत्रालय छापता है। तो कोई डाउट किसी को? अभी हम इसके आगे भी डिस्कस करेंगे, कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे आरबीआई की, आरबीआई को जानेंगे कि आरबीआई की शुरुआत कब से हुई, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, आज उसका गवर्नर कौन है, पहले गवर्नर कौन था, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से कॉपी करूँ,